हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट फूड का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है एग देविल और डीमेज चॉप। तो चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। पहले हमें एक सॉस पैन में पानी उबालना है और उस उबालते हुए पानी में बहुत ही ध्यान से अंडे को रखना है। हमें अंडे को एग्जैक्टली 7 मिनट्स यानी कि 7 मिनट तक बॉइल करना है। उसके तुरंत बाद गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में अंडे को डाल देना है। इससे अंडे का जो कुकिंग प्रोसेस चलता है वो बंद हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अंडे का जो छिलका होता है वो हम अंडे से अलग कर लेंगे। 7 मिनट्स के ऊपर अंडे को बॉयल मत करना, नहीं तो उसका योक का कलर ग्रे हो जाता है और वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। अब हम एक थ्रेड यानी कि धागे की मदद से अंडे को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। ऐसे काटने से अंडे का टेक्सचर बहुत ही स्मूथ रहता है। आप ये काम नाइफ से भी कर सकते हो, लेकिन उससे अंडे का टेक्सचर स्मूथ नहीं होता। ये देखो अंडा कितना स्मूथ है और कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। अब एक नाइफ से भी कट करके दिखाती हूँ। इससे क्या होता है, एक का थोड़ा थोड़ा पोर्शन नाइफ के ऊपर लग जाता है। ये देखो कितना डिफरेंस है। अब पोटैटो फिलिंग के लिए तेल गर्म करना है एक पैन में और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1 मिनट तक उसको भूनना है। उसके बाद प्याज का टुकड़े डालेंगे और थोड़ी सी नमक डाल के 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको पकाना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। पहले जाएगा हल्दी पाउडर, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद भुना हुआ धनिया पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर। 1 मिनट तक सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे मैश किया हुआ आलू। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। अब सीजनिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी यानी कि शुगर। अच्छे से मिक्स करना है 1 मिनट के लिए। गैस के फ्लेम को यहाँ पे कर देना है बंद और उसके बाद जाएगा कटा हुआ हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी चाट मसाला। अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेना है और इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर में आने तक वेट करना है। देविल को बनाने से पहले अंडे को सीजनिंग करना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा नमक और काली मिर्च सबके ऊपर ऐड करना है। हम अब 3 से 4 टेबलस्पून आलू के मिक्सचर को हाथ में लेकर ऐसे दबा दबा के फ्लैट करेंगे। उसके बाद एक अंडे को योक साइड नीचे करके ऐसे सेंटर में रखना है। अब बाकी के जो आलू के मिक्सचर है उसे हमें एग को केयरफुली रैप कर देना है। हल्के हाथों से दबा दबा के इसको ओब्लॉन्ग और ओवल का शेप देना है। एक कच्चे अंडे को थोड़ा नमक और काली मिर्च के साथ बीट कर लेना है और उसमें ये रैप किए हुए अंडे को डिप करना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से इसको कोट कर लेना है। इस प्रोसेस को दोनों हाथ से करना है। एक हाथ अंडे में रखेंगे जो कि वेट होगा और एक हाथ ब्रेड क्रम्स में रखेंगे जो कि ड्राई होगा। आप मेरी तरह डेविल को डबल कोट कर सकते हो, इससे कोटिंग बहुत ही सिक्योर और क्रिस्प रहता है। अब इस कोट किए हुए डेविल को रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 मिनट तक रख देना है। इससे एक के ऊपर कोटिंग बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा। उसके बाद गर्म तेल में बहुत ही केयरफुली डेविल्स को ऐड करना है और 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। ऐसे घुमा घुमा के सारे साइड्स को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट बाद इसको निकाल लेना है और फिर गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही टेस्टी डीमेज चॉप और एग देविल एकदम तैयार है। काशुंदी और कड़क चाय के साथ एंजॉय करो और तब तक के लिए गुड बाय।